मेरिट भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गए सीटों के लिए संघर्ष कर रहे पॉइंट से छठे हुए सभी भाव सिपाहियों को जय मित्रों। सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, जो कल रीट कनेक्ट हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। मित्रों, रीट संख्या 15-959 अप्रैल 2019, ये 2018 पुलिस भर्ती का मामला था, खाली सीट का। 15-959 अप्रैल 2019 का जो ये रीट संख्या है, इनके अधिवक्ता थे श्री अशोक खरे जी। कोर्ट नंबर 38 में लगा था कल मुकदमा, सीरियल नंबर 33 पे था, जो जज साहब थे अश्विनी कुमार मिश्रा जी थे। काफी देर तक बहस हुआ, मामला को साफ नहीं हो पा रहा था, तो खरे साहब एक बेहतर अधिवक्ता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड काफी तेज है। जब उनको लगा कि कोई समस्या हो सकता है तो मिश्रा जी भी कहे और सरकारी अधिवक्ता भी कहे, वो रीट मेरे में कनेक्ट करा दिया गया है। लेकिन रीट तो कनेक्ट हो गया, इससे 2018 के अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिर्फ लाभ उनको ये होगा कि जो आर्डर हमारा होगा वही आर्डर उनको फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में बहस होगा और उनके लिए सीटों का डिटेल मांगा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मित्रों, जो भी बहस होगा वो 26-813-2018 के बेस पे होगा। जो ड्राफ्टिंग हुआ है, जो केस चल रहा है, वो मेरिट भर्ती के आधार पे ड्राफ्टिंग कराया गया है, उस आधार पे केस लड़ा जा रहा है, एक्सेप्ट हुआ है, काउंटर कॉल हुआ, रिज्वाइंडर फाइल हुआ है और सप्लीमेंट्री भी कल फाइल होगा और उसी सप्लीमेंट्री के आधार पे बहस होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें 2018 को भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ रीट और आगे पड़ेगा तो उनका ये तो रीट एक्सेप्ट होगा। रीट एक्सेप्ट होगा तो ये जो रीट है, एक एप्लीकेशन के द्वारा उस रीट में 2018 में कनेक्ट करा लिया जाएगा। तो इससे हमारा कोई, हमें कोई समस्या नहीं है, ये समस्या 2018 के अभ्यर्थी या लीडरों के लिए है। मित्रों, जब तो 2018 का रीट कल डिसमिस हो गया होता तो शायद हमारे लिए भी दिक्कत हो सकता था। तो हमारे में कनेक्ट करा लिया गया है तो इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सेम मैटर था, खाली सीट उनका भी है, खाली सीट हमारा भी है और कनेक्ट कराए हैं तो उनके कनेक्ट जो हुआ है रीट उस बेस पे नहीं बहस होगा, या उनके लिए सीटों का डिटेल नहीं मांगा जाएगा। सीटों का डिटेल 2015-16 मेरिट भर्ती में जो सीटें खाली हुआ है वो मांगा जाएगा। जो रीट कनेक्ट हो जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हाँ, उसको लाभ मिलता है, लाभ वही मिलता है जो मेन रीट को मिलता है, लेकिन जो रीट कनेक्ट होता है उस रीट पे बहस नहीं होता है, जो मेन रीट होता है उस पे बहस होता है। तो इसके लिए आप परेशान ना रहिए, 2018 पुलिस भर्ती का जो रीट कनेक्ट हुआ है उससे हमें कोई हानि नहीं हो सकता है और ना उससे कोई लेट हमें हो सकता है। हमारा 17 अक्टूबर मतलब कल बहस होगा और 2015-16 में जो 5694 सीटें खाली है उसका सारा डिटेल मांगा जाएगा। नॉट ज्वाइनिंग, मेडिकल एब्सेंट, अनफिट और फर्जी मार्कशीट में कितने सीटें खाली हुआ है, किस किस में, सब डिटेल मांगा जाएगा। सप्लीमेंट्री तैयार करा लिया गया है और खरे साहब भी रहेंगे, खरे साहब को हम भी हायर किए हैं, 2018 के अभ्यर्थी भी हायर किए हैं। तो इसके लिए आप लोग परेशान जरा सा ना रहिए, उनके वजह से ना तो लेट होगा और ना आर्डर में कोई तब्दील होगा। ऐसा नहीं है कि वो जुट गए हैं तो जनरल आर्डर हो जाएगा। अरे, हमारा उनका तो कोई मतलब है नहीं है, उनका विज्ञापन दूसरा है, हमारा विज्ञापन दूसरा है, उनका मेरिट बेस, हमारा मेरिट बेस पे था, उनका रिटर्न बेस पे था। हाँ, नियमावली एक है,
नियमावली सिर्फ एक है, बाकी सारे चीजें अलग है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कांस्टेबल का जो पद था 23,520 है और हमारा 23,200 है। उनका जो पीएससी का सीट था वो लगभग 18,000 था और हमारा 5,716 है। तो दोनों में बहुत अंतर है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो मनगढ़ंत कहानी ग्रुप में बता के काफी अभ्यर्थियों को भयभीत करते हैं, तो इससे आप लोग दूर रहिए। जो भी होगा वो अच्छा होगा। क्या हमें नौकरी नहीं करनी है? हम 2018 के लिए साल भर आउटडेट समय लगाएंगे। मित्रों, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक माह के अंदर अपना भर्ती फाइनल हो जाए, इसीलिए पूरी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप लोग जरा सा भी कोई बात होता है उसको लेके आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो आप परेशान ना रहिए, हमारे भर्ती उनके वजह से जरा सा भी लेट नहीं होगा। हाँ, उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनका अलग से होना चाहिए था, उनको अलग से बहस करवाना चाहिए था, लेकिन पूरी बात वो रख नहीं पाए बोर्ड के सामने। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, इस वजह से उनको समस्या हुआ। नहीं तो उनके केस में दम था, ये तो बढ़िया से ड्राफ्टिंग हुआ होता और दो एक आर्डर लगाया गया होता तो आराम से एक्सेप्ट तो हो गया होता। लेकिन जो हुआ वो हमें कोई समस्या नहीं है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। केस डिसमिस नहीं हुआ, कनेक्ट हो गया, बचा है। आगे चल के कोई और रीट कनेक्ट होता है, आगे चल के कोई और रीट एक्सेप्ट होता है 2018 का, तो उसमें एप्लीकेशन देके वो उसी में कनेक्ट करवा लिया जाएगा। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 2018 मतलब रीट संख्या 15,961 के वजह से ना तो हमारे आर्डर में कोई तब्दील होगा, ना तो लेट होगा और ना तो मेरे द्वारा उनका कोई डाटा मंगवाया जाएगा। मैं लीडर हूँ, हमें जैसे कोई समस्या होता है उनका रेट अलग करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग परेशान ना रहिए, उनके वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा और मेरे वजह से उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी अपना भाई है 2018 का। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी नौकरी पाता है वो हमें आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप लोग परेशान ना रहिए, 2018 को भी कोई समस्या ना हो, ना हमें कोई समस्या हो, ना उनके वजह से हमें कोई लेट हो और ना हमारे वजह से उनको समस्या हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए 12:30 तक पूरी बात चली है। तो सीमांत भैया के पास ही थे हम लोग, तो कल बहस होगा और सप्लीमेंट्री पे बहस होगा। भगवान चाहे, माता रानी का कृपा रहा तो 101% कल बहस होगा और एक जजमेंट, बेहतर जजमेंट कल लोड होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और किसी बात को लेके आप ज्यादा परेशान ना रहिए, ठीक है? सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। तो हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना प्रेस किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन प्रेस होता है उससे अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी भर्ती आती है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है भर्ती संबंधित, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस किए हैं तो आप जरूर पाएंगे न्यूज़। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।